हेलो दोस्तों, हम लोग का अभी सीरीज जो चल रहा है वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हैं, जो प्रीवियस पेपर में जो पूछा गया है, ठीक है, 2016 का एनटीपीसी, उसी से इस क्वेश्चन को भी लिया गया है। हर टाइप का आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो भी लैंग्वेज चेंज है, थोड़ा सा भी ट्विस्ट वगैरह किया हो, उससे सारा क्वेश्चन हम लोग उस टाइप पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले सबसे पहले क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले करके स्वयं सबसे पहले इसको सोल्व कर देना है, उसके बाद जो भी एनालिसिस किया जाएगा उससे आप आंसर अपना क्या करना है, मैच कर लेना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन कहता है उस तरह से हम लोग को बनाते चलना है, ठीक है। जैसे 60 विद्यार्थियों के एक समूह में 25 क्रिकेट खेलते हैं, समझिएगा टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है, 60 है, और 60 में कितना खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट कितना खेलते हैं तो 25 खेलते हैं। सी से इसको डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं 25, ठीक है, आगे समझिएगा, ठीक है। 30 फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलने वाले की संख्या कितना है, एफ से डिनोट इसको कर देते हैं 30, इस तरीका से। 24 वॉलीबॉल खेलते हैं, पहले से भी जाना है, इस तरह से बनाते हैं हम लोग, गोल घेरा ले लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। वॉलीबॉल खेलने वाले की संख्या कितना है, 24 है, तो 24 लिख लिए। आगे पढ़ना है, 10 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, यानी क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले की यहाँ रख लीजिएगा, इससे आपको आगे बनाने में आसान होगा। 10 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ लिख ली, ठीक है। 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, 9, तो क्रिकेट और वॉलीबॉल की संख्या यहाँ है, यहाँ लिख लेना है 9, समझ रहे होंगे, बारीकी से समझिएगा। 12 वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, 12 वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, इस तरीका से लिख लिए, आगे देखते हैं। और 5 तीनों खेल खेलते हैं, तीनों यानी कॉमन पार्ट 5 ले लेना, बस यहाँ से पूरा हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ हम लोग क्या बनाना है, किस तरह से सारा के वैल्यू जितना भी प्लेस है उसमें कैसे रखना है, यहाँ पर बारीकी से आप समझिएगा। देखिए 10 जो बताया गया है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, और ये देखिए 5 है, तीनों में कॉमन है, तो 10 में से क्या करना है, 5 के माइनस कर देना है, बच जाएगा 5, यानी 5 वैसे विद्यार्थी हैं, वैसे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, समझ रहे होंगे। इसी तरह से आगे आते हैं, फुटबॉल और क्या है, वॉलीबॉल, तब फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने वाले की संख्या कितना है, 12 है, और 12 में 5 इसमें कॉमन है, तो 12 में से कितना माइनस कर लीजिएगा, 5, तब बच जाएगा हम लोग का 7, यहाँ 7 लिख लेना, समझ रहे होंगे आसानी से। आगे देखिए इस तरीका से कितना है, 9 है, ठीक है, यहाँ 5 है, तो इसमें से भी कितना माइनस कर दीजिएगा, जैसे 2 को किए उसी तरह से, तो 5 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं और क्या क्या पूछता है उसी हिसाब से बनाते चलेंगे। कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी को संख्या निकालना है, तो क्रिकेट वाला टोटल खेलने वाला विद्यार्थी कितना है, 25, इसमें केवल यानी सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले के, तो क्या करना है, इसमें से 5, 5, 10 और 4, 14, और 25 में से कितना माइनस कर दीजिएगा, 14, तो 25 में से अगर 14 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 11, यानी 11 वैसे स्टूडेंट्स हैं, वैसे विद्यार्थी हैं कि सिर्फ क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। आगे देखिए कितने विद्यार्थी इनमें से कोई खेल नहीं खेलते हैं, अब देखिए कोई खेल नहीं खेलते हैं, इसके लिए सारा ए या दो को जो प्लेस हम लोग के बच रहा है, फुटबॉल और वॉलीबॉल वाला सिर्फ खेलने वाला, उसको निकालेंगे तभी इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, अब ज्ञात करना क्या है, इसमें से कितना हो जाएगा, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 30 में से 17 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 13, समझ रहे होंगे। इसी तरह से अगर हम लोग इसको ले लेते हैं तो कितना चलाएगा, 24 में से माइनस कर लेंगे तो 5, 4, 9, 9, 7 कितना हो जाएगा, 16, 24 में से 16 माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 8। अब आसानी से हम लोग की देखिए कितना बोला है कि कितने विद्यार्थी इनमें से कोई खेल नहीं खेलते हैं, तो नहीं खेलने वाले के टोटल के सब खेलने वाले हैं, इस 60 में से जो माइनस कर दीजिएगा वही आ जाएगा नहीं खेलने वाले, तो जोड़ लीजिए ऐड कर लीजिए तो 11, 15 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 13 29, 29 4 33, 33 5 कितना होगा, 38, 38 5 कितना हो जाएगा, 45, 45 8 43, 60 45 और सॉरी 53,
तिरपन इसमें से क्या करना है, तिरपन माइनस कर लेना है। तिरपन जब माइनस कीजिएगा तो कितना चलेगा, 7। ए हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर 7। वैसे वो सब खेलने वाले तिरपन विद्यार्थी खेल में खेलने वाले हैं, नहीं खेलने वाले कितने हो गए, 7। ठीक है, आगे देखिए कितने कितने विद्यार्थी केवल दो खेल खेलते हैं, सिर्फ दो खेल खेलने वाले के संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो खेल खेलने वाले के कितना हो जाएगा, 4। 4 और 5 9, 9 7 कितना हो गया, 16। ये आ जाएगा हम लोग के आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर। इस तरीका से देखिए हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से बना लिए, इसी तरीका से बनाना है और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज करके जो पहले भी आपको बता दिया गया है वो सब पहला भी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट से जाके आप जितना भी वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है सारा बना दिया गया है। ठीक है, लगभग और हम लोग इस पर जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आपको अपडेट करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।